अस्सलाम वालेकुम। हम लोग रात के 3 बजे भूख से जागे हैं और होटल में, क्योंकि हम लोग का पे जो है वो सब कुछ फ़्लाइट वाले कर रहे हैं, क्योंकि उनकी वजह से फ़्लाइट हमारी कैंसिल हुई है 3 दिन बाद की हुई है। तो वो लंच, डिनर और वहाँ जाएंगे तो लाइट नहीं आएगी। ब्रेकफास्ट का एक सर्टन टाइम होता है जो हम लोग ने मिस कर दिया, हम लोगों ने कुछ खाया नहीं, और क्योंकि हमारी टाइमिंग जो है वो ऊपर नीचे हो गई है बहुत ज़्यादा। तो रात के 3 बजे भूख लगी शदीद, कुछ भी खुला हुआ नहीं है, होटल का किचन खुला हुआ नहीं है। हमारी सुबह 7 बजे की ट्रेन है कोनिया के लिए, मेवलाना रूमी के पास मुझे हाजिरी लगाने के लिए सबसे पहले जाना था, मेरी ज़िंदगी की दरीना ख्वाहिश थी। तो अब हमने ये सोचा कि बस अब 4 बज रहे हैं तकरीबन और हम निकल रहे हैं, ट्रेन स्टेशन पर ही बैठ के कुछ खा लेंगे और बस फिर वहीं बैठे रहेंगे, क्योंकि बंदा जब सफ़र पर होता है तो एक ही दफ़ा निकलता है। वहीं खा लेंगे और फिर 7 बजे वहाँ से कोनिया की फ़्लाइट, सॉरी ट्रेन है, और अल्लाह करे कि ये सब कुछ हो जाए खैर वाफिस से हम वापस आ जाए। फ़ास्ट ट्रेन यहाँ से चलती है, ये बता रहा था जो होटल में काम करता था कि 2020 में फ़ास्ट ट्रेन चलना शुरू हुई है। 4 घंटे का रास्ता है कोनिया का, और अब मैं देखती हूँ कि नीचे ऑफिस है या नहीं। कि सबसे मुश्किल यहाँ पे ये पेश आ रही है कि यहाँ पे लोगों को ज़ुबान आती नहीं है, किसी को इंग्लिश नहीं आती। अगर आपको कोई इंग्लिश वाला मिल जाए तो बस बहुत लकी हैं। तो पहले मैं जाके देखूँगी कि यहाँ टिकट मिल रहा है नहीं मिल रहा है, कहाँ से मिल रहा है, और उसके बाद फिर मैं कुछ खाने का सोचूँगी। अभी तो ना बंदा ना बंदे की ज़ात है, यहाँ पे ऐसे कुत्ते बैठे हुए होते हैं बिल्कुल रिलैक्स होके, और तो बहुत ही अच्छे उसके ब्रीड के, ये वैक्सीनेटेड भी हैं और ये वो भी हैं, पंच भी हैं, टैग्ड हैं, बेसिकली टैग्ड है। तो मैंने जब देखा तो मैंने बहुत बुरी चीख मारी थी कल पेंदिक जब हम गए थे। हाँ, यहाँ से ऊपर जाना है खाना खाने के लिए पेंदिक में जब हम ये देखे, ये भी कुत्ता कितने अच्छे तरीके से माशाल्लाह बैठा हुआ है तमीज से। हम लोग, ये लोग तो यार वाकई बाहर के लोग कुत्तों का भी ऐसे ख्याल रखते हैं, हम इंसानों का भी ना रख सकते। सुबिया हिया, ये एक दुकान खुली मिली है मगर ये बेकरी है, और ये पुलिस भी हमारे साथ बेचारा खाने के लिए आया हुआ था, तो वो हमारे लिए फाइंड आउट कर रहा है कि अभी हमें खाने को क्या मिल सकता है। मगर यहाँ पे सिर्फ बेकरी आइटम्स हैं, वो वाले आइटम्स अभी नहीं बन रहे, ज़ाहिर रात के 4 बज रहे हैं। तो अब देखें कि हमें क्या मिलता है। बड़ी मज़े की चीज़ है ये भाई, अभी ओवन से निकला है और ये मिला है हमें खाने के लिए, यही है बस अब जो है यही है। ओके, वन समथिंग एल्स, पिज़्ज़ा, पिज़्ज़ा, यस, बरेक, नो बरेक। ये कीमे वाली पेटीज पकड़ा दी है भाई ने, ये चीज़ वाली है, मिर्ची नहीं है सिर्फ, ये मिर्च डालने पर अच्छा लग रहा है इसे। अच्छा, यहाँ पे ट्रेन के सहेल के पास टिकट है, आप आगे जाएं, हम तो टिकट दिखाएं, पीछे से आ रही हूँ। बिल्कुल एयरपोर्ट की तरह यहाँ से हम लोग जा रहे हैं, ठीक है। 1 घंटे पहले हमने कोनिया का टिकट लिया, बस अब निकलने वाले हैं। कोनिया पहुँच गए हम, 4-4.5 घंटे का सफ़र था, तकरीबन 12 बज रहे हैं अभी और 6 बजे हमने वापस जाना है, तो तकरीबन 11 बजे हम वापस पहुँच जाएँगे इस्तांबुल। बस 6 घंटे के लिए हम कोनिया आए हैं और अभी हमारा सफ़र शुरू हो गया, कोनिया का मतलब वक्त शुरू हो गया। चलें जी, अब रूमी के मज़ार पर जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, ये मेवलाना रूमी के पास हाजिरी देने से पहले हम लोग आतिशबाजी पे आए हैं। मैं आपको थोड़ा सा बताऊं कि ये मेवलाना रूमी के बाद जो उनके, जिसे कह लें आप, यहाँ पे जो मुझे बताया जा रहा है, जो मुझे टैक्सी वाले ने बताया कि जो उनके रूहानी, मतलब उनके वेरी मच इमीडिएट आफ्टर जो रूहानी शख्सियत थे वो ये थे, और मसनवी सिलसिले में कुक का मकाम, यानी कि कुक को क्या बोलते हैं उर्दू में, सही, बावर्ची का मुकाम जो है वो बहुत अहमियत रखता है और बहुत बड़ा होता है। मेवलाना रूमी के पास जब उनके गाइडेंस में जो सारे मुरीदैन आया करते थे, या आप स्टूडेंट्स कह लें उनको, जो मसनवी सिलसिले के मुरीदैन होते थे, तो उनको मेवलाना रूमी सबसे पहले बावर्ची खाने में भेजा करते थे और खाना सिखाया करते थे, क्योंकि मसनवी सिलसिले में मेहमानों का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है और बहुत बड़ा मकाम है मेहमानों का। और जैसे कोई मेहमान आता था तो मेवलाना रूमी कहते थे कि
आतिशबाज जाओ उनके लिए खाना बनाओ, मेहमान अल्लाह के लिए यहाँ पर आए हैं। तो एक दिन उनको खाना बनाने के लिए कहा गया, स्टोरी को ज़रा छोटा करके आपको बताऊं, खाना बनाने के लिए उनको कहा गया और उनके पास लकड़ियां नहीं थी। जब आतिशबाज गए किचन में तो उनके पास बावची खाने में उनके पास लकड़ियां नहीं थी, तो उन्होंने अपना अदब की वजह से वो बता नहीं सके अपने मुर्शिद को यानी मौलाना रूमी को कि हमारे पास लकड़ियाँ नहीं है, मैं खाना नहीं बना सकता हूँ। उन्होंने अपना पैर डाल दिया आग में और अपने पैर को आग लगा दी। जब वो खाना लेके आए मेहमानों के लिए और मौलाना रूमी ने फरमाया कि ये खाना इस कदर जिसे कहें जायकेदार है या इस कदर तासीर वाला है कि जितने भी लोग इसको खा रहे हैं इस खाने में बरकत ही बरकत पैदा होते जा रही है, ये कम नहीं हो रहा, ये ज़्यादा हो रहा है और लोगों को आम खाने से ज़्यादा पसंद आ रहा है, इसमें कोई ख़ास बात है। तो जब आतिशबाजी ने देखा अपने पैर को तो एक दाल के दाने के बराबर उनके पैर पे भी निशान नहीं था, हालांकि वो अपने पैर को छुपाने की कोशिश करते रहे मौलाना रूमी के साथ, मगर जब उन्होंने खुद देखा तो उसमें कोई निशान नहीं था, तो उन्होंने ये सोचा कि उन्होंने छुपाया ही क्यों वो पैर मौलाना रूमी से। आज भी लोग यहाँ से नमक लेके भी आते हैं, नमक ला के रखते भी हैं, क्योंकि यहाँ पे जो है कहते हैं कि जिस तरह इनके खाने में तासीर थी उस तरह जो है इनके नमक में आज भी यहाँ पे तासीर है। ये कुछ नुब्बे लबाब है जो मुझे समझ आया, जो टैक्सी वाले ने मुझे बताया। और आतिशबाज जो है वो, एक आखिरी बात आपको बता दूँ, आतिशबाज यानी आग लगाने वाला का जिसने अपने पैरों से भी आग लगा दी, ये खिताब था जो मौलाना रूमी ने इनको दिया था। अब अंदर आते मैं भी पाकिस्तानी हूँ, घर के जाऊंगी सोल्ट। ये वैसे बरकत के लिए होता है, अपने घर में बंदा डाल देता है, मानने वाले करते हैं ऐसे, जो नहीं मानते वो नहीं करते। इसमें कोई ना ऑफेंड होने वाली बात है ना ज़रूरी है कि मैं करती हूँ तो आप भी करें। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, आप भी जगह I have, I grow my hair. It was short. Now it's longer. You can say here. Hello. Hello. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. We have entered Mevlana's territory. Mazar Sharif ke andar jo hai the Rumi Foundation है, जो कि SNNA है, वो रन करती हैं। SNNA इज़ द SNNA इज़ द 34th descendant of Mevlana. 22nd. थैंक यू, जज़ाकअल्लाह, शुक्रिया शुक्रिया, जज़ाकअल्लाह। सो जिस तरह पाकिस्तान में हर दूसरा बंदा जो है वो कह मतलब बताता है कि वो यू नो कौन है, गद्दी नशीन है या अक्सर कल्चर चल पड़ा है, बट इन टर्की देर इज़ ओनली वन रूमी फाउंडेशन एंड वी नो द एग्जैक्ट डिसेंडेंट हु इज़ रनिंग द फाउंडेशन एंड द गर्ल आई मेट हियर यू मस्ट हैव सीन इन द वीडियो इज़ लाले हु वर्क्स हियर एंड लुक्स आफ्टर एवरीथिंग। आई हैव मेट हर व्हेन शी केम टू पाकिस्तान विद द ड्रिलिंग ग्रुप, देयर वाज एन इवेंट इन पाकिस्तान
And also, after some time, I'm going to see Sheikh Nader and also make a video of that so that I can show you guys the exact people who are working here and taking care of the legacy. Thank you. You're right. Yes. ये हम लोग मौलाना रूमी के मज़ार शरीफ के अंदर एंटर हो गए हैं. मैं आप लोगों को थोड़ा सा म्यूज़ियम भी दिखाऊंगी. ये वो मकाम है जहाँ पे जिसे आप कह लें कि तरबियत हुआ करती थी या खानका थी एक्चुअली. तो आतिशबाजी के बारे में मैंने आपको बताया. वो साहब जो खाना बनाया करते थे, बड़े दरवेश थे मौलाना रूमी के. इस तरीके से लंगर खाना था, लंगर बनाया जाता था मेहमानों के लिए. और एक दरवेश वो हुआ करता था जो कि बाज़ार से जिसका काम था सौदा सलफ लेकर. तो और ये लाले जो साहिबा थी जिन्होंने मुझे चाय पिलाई अपने साथ और खुशामदीद की रूमी फाउंडेशन में, मेरी बहुत सालों पुरानी उनसे वाकफियत है. ये पाकिस्तान आए थे दरवेशों के साथ, बिल्कुल इसी तरह रूहानी तरबियत के लिए जो है वो अलग अलग उस ज़माने में रूहानी तरबियत के लिए अलग अलग टास्क दिए जाते थे. तो ये टास्क उनको दिए जाते थे. वहाँ पर समा हो रहा है, आप देखें ये जो जगह थी यहाँ पर समा होता था. कुछ जो थे वो स्टूडेंट्स, सूफी स्टूडेंट्स जिन्हें आप कह लें या जो मुरीदैन कह लें या जिनको सालिक कह लें रूहानियत में, कुछ सालिकों को समा सिखाया जाता था. खुद बैठ के देखिए मसनवी सीखते हैं या कुरान और हदीस की इल्म हासिल कर रहे हैं. वो दिखाएं ना, वो दिखाएं कुरान और हदीस का. और वहाँ पर जो है वो शेख के साथ सोबत लगा करती थी. ठीक है, वो शेख की सोबत की जगह है. चलें अब मैं बाहर आती हूँ. बाहर आप लोगों को थोड़ा थोड़ा दिखाती हूँ. बस फिर मौलाना के पास जाऊँ. रूमी के पास आने की मेरी ख्वाहिश बहुत दरीना थी. मैं अल्लाह से बहुत दुआ करती थी. मगर ज़ाहिर है हर इंसान का एक बजट होता है. मेरा बजट सिर्फ इंग्लैंड का था और मैंने सोचा भी नहीं था कि किस तरीके से मेरी फ़्लाइट जो है वो मिस हो जाएगी, डिले हो जाएगी और मुझे फ़्लाइट वाले अपने ख़र्चे पे होटल खाना पीना सब कुछ देंगे और मैं मौलाना रूमी आगे जाके हज़रत शम्स तबरेज़ और इसके अलावा हज़रत अबू अय्यूब अंसारी जो कि बहुत बड़े सहाबी थे उनके पास मेरी ज़्यारत होगी. सारे वीडियोज़ मैं आप लोगों को आगे जाके दिखाऊँगी. मगर देखें, मेरे पास कोई और चारा नहीं था कि मैं पाकिस्तान जा सकूं. जब अल्लाह ने और अल्लाह के वलियों ने आपको बुलाया होता है तो इस तरीके से आपको ऐसे रास्ता बनाते हैं कि आप सोच भी नहीं सकते और आप वहां से निकल भी नहीं सकते. बस सामने ला के अल्लाह खड़ा कर देता है. ये सामने मौलाना रूमी की तुर्बत है. इसके साथ साथ इनके बच्चे, बच्चों के बच्चे, इनके पूरे घराने की तमाम यहाँ पे ज़ियारते हैं. मेरी बहुत बड़ी ख्वाहिश थी, अल्लाह ताला ने मेरी बड़ी ख्वाहिश पूरी की. अल्लाह ताला यहाँ से जितनी भी बरकतें हैं समेटने की अपने प्यारों के दर से.
ये हमने पता नहीं कौन से कबाब मंगवाए हैं और ये पता नहीं कौन सा पिज्जा मंगवाया है। ये हम नींबू डाल दूँ सर इस पे डालो इस पे मेवलाना रूमी के पास से हम होकर आ चुके हैं और कुछ ही कदम के फासले पे शम्स तबरेज का आप लोगों ने सुना होगा एक तू शम्स एक मैं शम्स के बारे में भी। तो हज़रत शम्स तबरेज जो हैं वो मुर्शिद करीम थे मेवलाना रूमी के टीचर थे मास्टर थे। अंदर चलते हैं और हाज़िरी देते हैं। इसके बाद मेरी ज़िंदगी का सबसे फ़नी वाकया हुआ। सहेल ने कहा कि तुम इन कबूतरों के अंदर जाके वीडियो बनाओ, मैं तुम्हारी स्लो मोशन में वीडियो बनाऊंगा, तुम लगाना। मैं समझी कि माइनस टेम्परेचर में ये जो एक पौंड था ये फ्रीज़ हो चुका था और मुझे लगा कि ये कोई सीमेंट है और मैं चलते चलते वीडियो बनाने के चक्कर में इसके अंदर घुस गई और माइनस डिग्री में मैंने अपने सारे जूते मोज़े पैंट सब गीली कर दी और कबूतर भी परेशान हो गए कि ये कौन आया है पिंड से लाइटें देखने। तो बहुत बुरी हो गई मेरे साथ और इसके बाद हम लोग वापस भागे हम लोग।